साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। साईं बाबा ही राम है हमारे लिए, साईं बाबा ही कृष्ण है हमारे लिए, साईं बाबा ही शिव रूप है और हमारे लिए साईं बाबा ही माता का स्वरूप है। साईं बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा, वो तो मुसलमान है, क्योंकि फकीर शब्द तो हमारे यहाँ संतों को संत कहा जाता है, जबकि उनको फकीर कहते, फकीर मुसलमानी शब्द है, फकीर मतलब होता है मुसलमानी शब्द में, उर्दू में फकीर को संत कहते हैं, तो मुसलमान लोग माने जाने भगवान पर आजकल के हिंदू पीछे पड़े। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, एक बार फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसे सवालात का जवाब दिए हैं दोस्तों, ऐसे सवालात कि वो सवाल एक ऐसी जहीन तरीन यूनिवर्सिटी की लड़की है या लड़का है या लोग हैं जो डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल करते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक ने ऐसे कौन से ऐसे अहम सवालात जिनका उसने जवाब दिया है। हम किसी दूसरे संत पर या किसी दूसरे पंथ के भी, किसी दूसरी जाति के भी संत पर हम कभी कोई भी बयान नहीं करते। हमारे लिए साईं बाबा ही राम है हमारे लिए, साईं बाबा ही कृष्ण है हमारे लिए, साईं बाबा ही शिव रूप है और हमारे लिए साईं बाबा ही माता का स्वरूप है। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। देखो भाई, ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है, तो साईं बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा, वो तो मुसलमान है, क्योंकि फकीर शब्द तो हमारे यहाँ संतों को संत कहा जाता है, जबकि उनको फकीर कहते, फकीर मुसलमानी शब्द है, फकीर मतलब होता है मुसलमानी शब्द में, उर्दू में फकीर को संत कहते हैं, तो मुसलमान लोग माने जाने भगवान पर आजकल के हिंदू पीछे पड़े हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं। देखिए, साईं जो है एक व्यक्ति है और कहा जाता है कि वो कोई फकीर थे और महाराष्ट्र के शिरडी नाम के स्थान में रहे, वहीं पर कुछ उनके भक्त हुए। मेरा नाम बापू है, मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की शोभी से सवाल था। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज़ विंग भी है और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज़्यादा मुकर्रिन हैं, 30 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो माशाल्लाह तकरीर करते हैं और हमारे पास कई प्रोग्राम हैं ख़वातीन के लिए खुसूसन। और इस ख़वातीन के शोभे की प्रेसिडेंट मेरी अहलिया है फरत नायक और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं और मैं चाहता हूँ कि इतनी ख्वातीन बड़ी तादाद में है, माशाल्लाह पूरा दरिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं, मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फहमुल कुरान होता है 30 दिन का और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज विंग के स्टॉल पे जा सकती है और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को, हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं फैमिल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है, आप लेडीज विंग में कॉन्टैक्ट कर सकती है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इंशाल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है,
ईश्वर एक है और वो चमत्कार करते थे और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे, कैसा? भाई साहब इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसे चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था, आठा नहीं लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठा निकाय, लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूँ। इसे कहते हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं अठन्नी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल, अठन्नी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था रुमाल के अंदर, अठन्नी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठन्नी गायब। फिर आपके कान से अठन्नी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को दो टुकड़े में काटो, वापिस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना पीसी सरकार, जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे, चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया, साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है, कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है। उबलते पानी में हाथ डालना, हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है, साईं बाबा की मूर्ति बनाना ईसा अलैहि सलाम की। ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते, तो ईसा अलैहि सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए, कुरान मजीद। आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह, आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो जबान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। इसी तरह हम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी अपने राय का इजहार कीजिएगा। वस्सलाम, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।